सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो फॉरएवर में बिगिनर्स होते हैं ना, उन्हें एक्जैक्टली पता नहीं होता है कि किस तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना बिगिनर्स लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि वो लोग अच्छे से सीख सके कि एक्जैक्टली प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कैसे किया जाता है। ठीक है, सो अगर आप फॉरएवर के अंदर में अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सब चीज अच्छे समझ आने वाला है कि एक्जैक्टली फॉरएवर के प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे किया जाता है माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जाना होगा मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी FBO ID को इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी FBO ID को इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद अगेन आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, नीचे में आप देखो आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, न्यू ऑर्डर का और टूल्स का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने अगेन एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे आपको कैटेगरी दिखेंगे, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट का, बी प्रोडक्ट्स का, पोस्टनल केयर, न्यूट्रिशन, सबका दिखेगा। ठीक है, आपको किसी भी कैटेगरी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट डिलीवरी मोड का, एक डिलीवरी टू का और एक पिकअप फ्रॉम RDO का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिलीवरी टू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं, तो जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया था और उस टाइम पे जो आपने पिन कोड डाला था, वही पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको दूसरे एड्रेस पे प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं तो दूसरे एड्रेस का यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा। ठीक है, तो मुझे दूसरे एड्रेस पे जो है प्रोडक्ट्स भेजना है, तो हम उस जगह का यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद जो है फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम जल्दी से पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं सबमिट के ऊपर क्लिक। जैसे आप सबमिट करोगे, अगेन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ गया जो भी मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, एक कंटिन्यू शॉपिंग का और एक चेकआउट का। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग है, तो आप इस पर क्लिक करके आप अगेन कोई ना कोई प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अगर सारे प्रोडक्ट आपने सही सेलेक्ट करें हैं तो आपको क्या करना है, चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप चेकआउट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐड एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है। ठीक है, जिस भी एड्रेस पे आपको प्रोडक्ट्स भेजना है। ठीक है, अगर आप उस टाइम पे रजिस्टर्ड पिन कोड अगर आप वहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे आपको ना फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एड्रेस, आपको डायरेक्ट डिलीवरी एड्रेस के बगल में जो आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं ना, ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एड्रेस को फिल करना होगा, और जैसे आप फिल करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको शो होने लग जाएंगे कि आपका कितना अमाउंट का बिल बना, कितना डिलीवरी चार्ज लगा। उसके बाद आपको नीचे में एक मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां से आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो हम यहां पे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा ट्रांजैक्शन सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपका ऑर्डर नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर नंबर है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे अगेन आप होम पेज में आ जाओगे। अब होम पेज में आने के बाद अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको एक एरो दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे गाइस, तो आपके सामने जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा बिजनेस स्टेटस का। ठीक है, अब आप देखो ऊपर में ना आपकी CC दिख रही है कि कितने CC का प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे में इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको बिल देखना है तो बिल देखने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर के लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको तीन लाइन दिख रही होगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है,
जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एलो स्टोर का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे एलो स्टोर है ना, जैसे आप एलो स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे अगेन आपके पास तीन ऑप्शन खुल के आएगा, तो आपको माई ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो माई ऑर्डर हिस्ट्री है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑल दिख रहा है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। ऑल को सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको क्या करना है, इनवाइस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बट आपको यहाँ पे इनवाइस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप इनवाइस को सेलेक्ट कर लोगे, नीचे में आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ऑर्डर नंबर है। उसके जस्ट बगल में देखो एक आपको प्लस का आपको एक साइन बना हुआ दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन दिख रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बिल का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सबसे शुरू में आपको इनवाइस नंबर दिख रहा होगा ब्लू कलर में लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना, वो एक लिंक है। ठीक है, आपको उसी के ऊपर क्लिक करना, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बिल बिल्कुल शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो अभी मैंने पेमेंट किया था जितने अमाउंट का, वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर में आपको चले जाना है। ठीक है, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको इस वाला आइकन पे क्लिक जैसे करोगे तो पीडीएफ लिखा हुआ आएगा। जैसे आप पीडीएफ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ जो है बिल का डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जो है आपको माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है और आपको अपना बिल देखना है। आई होप अब आप सीख चुके होंगे कि माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख सके कि एग्जैक्टली फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कैसे किया जाता है, राइट? और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है बिजनेस रिलेटेड जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो आपने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया जाता है। अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो कि आप फॉरएवर के अंदर में आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग कैसे करा सकते हो, बैंक डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हो, केवाईसी कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो आपको यहां पे एक ना प्लेलिस्ट का आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप जाके जरूर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।